चलिए सो so बच्चे वेलकम टू द सेशन क्या डिस्कस करने वाले हैं आज हम लोग प्लांट किंगडम और आज हम लोग प्लांट किंगडम में टेरिडो जिम्नोस्पर्म्स इंजियोस्पम्स ये सारी चीजें स्टार्ट करेंगे लेकिन उससे पहले कोई भी बच्चा जिसने पहली बार जो पहली बार सेशन देख रहा है या पहली बार इस चैनल पे आ रहा है डू सब्सक्राइब द चैनल राइट right? डू सब्सक्राइब द चैनल भाई नया सेशन कौन सा नया सेशन कौन सा नया सेशन स्टार्ट करना है ठीक है चलिए सो प्लांट किंगडम आपको पता है डाइवर्सिटी की जब हम लोग बात करते हैं बच्चों डाइवर्सिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर आयो क्यू जी एस उसके साथ साथ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द केवी वाई एज वेल राइट के वी वाई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सो so, आज हमने क्या शुरू करना है आज हम लोग टेरिडो जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स की बात करेंगे फाइन दिस इज वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस और उसके अलावा बच्चे ये देखिए राइट right? क्या विद देखो वेदांतु पे विदांतु ओलंपियाड स्कूल पे तुम्हें क्या अवेलेबल है एन टी एस सी बूस्टर माइक्रो कोर्स राइट एन टी एस सी बूस्टर माइक्रो कोर्स सो उसके लिए तुम्हें क्या करना है बच्चे जस्ट फॉर थ्री नाइन नाइन रुपीज तुम ये माइक्रो कोर्स बाय कर सकते हो ये है क्लास नाइन्थ और टेंथ के लिए और बैच कब से शुरू हो रहा है बच्चे सात फरवरी से और इसमें क्या किया जाएगा नौ सेशंस प्लस एक टेस्ट राइट right. तो तुम्हें नौ सेशंस मिलेंगे नौ आ, और उसके साथ साथ एक टेस्ट भी होगा राइट right. और प्राइस भी बहुत ज्यादा नहीं है प्राइस कितनी है सिर्फ चार सौ रुपए सो so, नाइन्थ के लिए टेंथ के लिए तुम्हारी एन की प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए यू कैन बाय दिस माइक्रो कोर्स और उसके अलावा बच्चे साइंस और मैथ्स के माइक्रो कोर्स भी अवेलेबल हैं क्लास सेवेंथ और एट्थ के लिए फाइन सेवेंथ और एट्थ के लिए जिसमें क्या रहेगा बच्चे ये देखो ये बैचेस कब से शुरू हो रहे हैं दस फरवरी से और इसमें तुम्हारे पास रहते हैं बारह सेशन प्लस एक टेस्ट अगेन इट इज फॉर फोर हंड्रेड रुपीज मतलब माइक्रो कोर्स इट इज फॉर क्लास फिफ्थ एंड सिक्स इट इज जस्ट फॉर रुपीज टू नाइन नाइन इन विच यू आर गोइंग टू गेट ट्वेल्व सेशन प्लस वन टेस्ट और ये कब से शुरू हुआ ह, होगा नौ फेबर से फाइन नौ फ़रवरी से so, शुरू करते हैं हम आज का टॉपिक प्लांट किंगडम और आज हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है बच्चों आज पिछली क्लास में हम लोगों ने एल्गी और ब्रायोफाइट्स को डिस्कस किया। so, आज हम लोग शुरू करेंगे और के बारे में डिस्कशन फाइन सो so, किसी ने रिवाइज किया है पिछला कुछ पढ़ गया है या नहीं आइडिया है जैसे बच्चे बार बार बोल रहे थे कि मैम डायवर्सिटी इंपॉर्टेंट टॉपिक है फिजियोलॉजी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है आईओ क्यू जी एस के लिए के वी वी बाई के लिए उसकी क्लासेस हो सो दैट इज बाय हमने इंडिविजुअली तुम्हारे जितना टाइम अब बचा हुआ है तुम्हारे पास उसमें इंडिविजुअली मैंने टॉपिक स्टार्ट किए हैं ताकि तुम्हारी बायो की प्रिपरेशन अच्छे से हो जाए सो so अब तुम्हारी क्या ड्यूटी है अच्छे से थेरी को रिवाइज करना और एमसीक्यू प्रैक्टिस करना फाइन और साथ में क्या करना एमसीक्यू प्रैक्टिस करना Fine, चलो so, शुरू करते हैं बच्चे आज की क्लास so, पिछली बार हम लोगों ने जो किया था एक बार उसकी भी so, में हम लोग करते हैं से, वट डू वी और इंजियोस्पम्स उसके साथ साथ अपने पास क्या है जिम्नोस्पॉम्स और इंजियोस्प्स फाइन बच्चे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमारे पास आ गई देखो अब ये जो एलगी और ब्रायोफाइट हमने किया एलगी को डिवाइड करते हैं इसमें बच्चे गैमीटोफिटिक फेज ये जो तुम्हारा गेमीटो है दैट इज डोमिनेट इट इज द गेमीटो इट इज द गेमीटो व्हिच इज डोमिनेंट ब्रायोफाइट्स में भी इट इज दिप्लॉइड प्लांट बॉडी विच डोमिनेंट, विच इज फोटोटिक राइट बच्चे dominant, उसके ओहो, उसके अलावा बच्चे अदर देन दैट एलगी में हम लोग क्या करते हैं सिर्फ एक जायगोटोट एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है जाइगोट इज द

पढ़ा था कल की क्लास में तो so, ये कुछ एक पॉइंट्स है जो तुम जितना जल्दी हो सके अपनी रिवीजन नोटबुक में लिख लो ओके okay, बच्चे सो कोर्स सीड्स नहीं होंगे एलगी के केस में

एलगी में जो लाइफ साइकिल है वो है हेप्लोडिप्लॉन्टिक कौन सा लाइफ साइकिल हेप्लोडिप्लॉन्टिक ब्रायोफाइट्स में कौन सा सॉरी एल्गी में है लाइफ साइकिल ब्रायोफाइट्स में हमारे पास आ जाता है हेप्लोडिप्लॉन्टिक ना, जिसमें डोमिनेंट फेज तो गैमीटो है लेकिन जनरेशन भी रहेगी स्पोरोफाइट स्पोरोलर होगा उस हेप्लॉइडो फाइट पे प्रेजेंट होगा उसी पे डिपेंडेंट होगा वहां से ही फोटोसिंथेसिस होगी सो ये हमने पढ़ा था सो so, आज हमने शुरू करना है टेरिडोफाइट से सो लाइफ साइकिल के बेसिस पर थोड़ा सा रिवाइज करते हैं फिर देखते हैं बच्चे स्लाइड एक क्विक रिविजन रहेगा सो so, फटाफट पेन और पेंसिल साथ में रखना जो पॉइंट इंपॉर्टेंट है उसको साथ के साथ लिखते रहना ओके okay? साथ के साथ लिखते रहना ठीक है जी सो so, जो बच्चे पहली बार क्लास लगा रहे हैं डू सब्सक्राइब द चैनल राइट ताकि तुम्हें सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स मिलती रहे सो so, अब हमारे पास क्या आ गया टेरिडो फाइट्स टेरिडो फाइट्स बच्चे ये पहले सक्सेसफुल या पहले वेस्कुलर लैंड प्लांट्स हैं और इवन सक्सेसफुल भी फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट्स दिस इज इंपॉर्टेंट इन द केस ऑफ टेरिडोफाइट्स दिस इज इंपॉर्टेंट पहले वेस्कुलर लैंड प्लांट्स क्यों बच्चे क्या वर्ड यूज किया मैंने वेस्कुलर माने टेरिडोफाइट्स के पास प्लांट्स के केस में पहली बार हम लोग देखते हैं जाइलम और फ्लोएम राइट दिस इज द दुलर टिश्यू ऑफ द प्लांट्स प्लांट्स के पास हार्ट थोड़ी है प्लांट के पास जो हार्ट थोड़ी है जो पंप होगा ब्लड फ्लो करेगा नो नो प्लांट्स के पास क्या है और फ्लोएम है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मदद करता है किसमें मदद करता है जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में मदद करता है सो so, ये आगे पहले वेस्क्यूलर लैंड प्लांट्स व्हाट आर दे दे आर फर्स्ट वेस्क्यूलर लैंड प्लांट्स टेरिडो फाइट्स उसके अलावा डोमिनेंट बॉडी जो रहेगी डोमिनेंट प्लांट बॉडी या तुम लोग उसको फोटोसिंथेटिक कह लो ऑफ कोर्स दैट इज इंडिपेंडेंट एज वेल अगर फोटोसिंथेटिक है तो इंडिपेंडेंट तो होगा ही होगा फोटोसिंथेसिस कर रहा है खुद सरवाइव कर सकता है सो दैट विल बी योर यस दैट विल बी योर स्पोरोफाइट डोमिनेंट प्लांट बॉडी इज योर स्पोरोफाइट इज राइट व्हाट इज इट इट इज डिप्लॉइड लेकिन यहां पे जो ट्विस्ट आएगा वो ये है बच्चे यहां पे जो ट्विस्ट आएगा वो ये है कि इसके केस में जो गैमिटो है वो भी इंडिपेंडेंट है गैमिटो इज नॉट डिपेंडेंट इट इज इंडिपेंडेंट इट इज फोटो सिंथेटिक फाइन इट इज फोटो सिंथेटिक्री लिविंग है इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग सो स्पोरोमिटोफाइट द वन विचविल फॉर्म गेमीट स्पोरोट दिचविल फॉर्म स्पोर राइट सो लाइफ साइकिल क्या जाता है टेरिडोफाइट के के केस में भी बच्चे हेप्लो डिप्लॉन्टिक ब्रायो और टेरिडो दोनों में लाइफ साइकिल क्या है बस इसमें होगा होगा कि स्पोरोफाइट डोमिनेंट ब्रायोफाइट्स में हमने कहा था कि गेमीटोफाइट डोमिनेंट है राइट बच्चे सो तो ये कुछ एक पॉइंट्स है जो तुम्हारे लाइफ साइकिल के बेसिस पर है ये कुछ एक पॉइंट्स है जो हमने पिछली क्लास में भी स्टार्ट किए थे लाइफ साइकिल को हमने वहां पे भी डिस्कस किया था वहां पे भी डिस्कस किया था ओके okay, समझ में आई ठीक है और ये बताओ टेरिडोफाइट्स के पास क्या सीड होंगे नो सीड्स आर एब्सेंट स्टिल सीड्स प्रेजेंट नहीं है सीड्स एब्सेंट है सो so, जिन प्लांट्स के पास सीड्स नहीं होते एब्सेंट होते हैं वी यूज द वर्ड क्रिप्टोगैम्स फॉर दिप वॉट इज दर्ड फॉर दम इट इज क्रिप्टो गर्ड आ जाता है क्रिप्टो गैम्स सो अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता है कि ऐसे प्लांट्स की एग्जाम्पल दो जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू तो है जिनके पास जाइलम और फ्लोयम तो है लेकिन उनके पास क्या है सीड्स एबसेंट है सो यू हैव द एग्जाम्पल ऑफ टेरिडो फाइट्स दे आर क्रिप्टोग राइट दे आर क्रिप्टो गैम्स भाई किस बात का नो नो किस बात का हो गया यस yes. यही चलता है यहां पर डन चलो सो अब हम लोग थोड़ा सा इसको स्लाइड से रिवाइज करते हैं टेरिडो फाइट्स को आ जाओ यहाँ पे सो so, ये ये पॉइंट्स तुम्हारी क्विक रिवीजन के लिए हेल्पफुल रहेंगे टेरिडो फाइट्स में तुम्हारे पास क्या आ गया हॉस्टेल और फोन आ गई अब हम फोर्स की एग्जाम्पल करते हैं पता टेरिडो फाइट्स में भी प्रॉपर रूट स्टेम और लीव्स आ जाते हैं जैसे हमने एल्गी में ब्रायोफाइट में जब देखा राइट इट इज हेल्पफुल फॉर द केवी पी वाई एज वेल ठीक है केवीवाई के लिए भी हेल्पफुल है सो so, टेरिडोफाइट के फर्ज आ जाती है right? घरों में भी देखी है फर्ंस इस तरह के लीव्स कभी ध्यान से चेक करना अगर तुम्हारे घर में प्लांट्स है फर्ज पक्का होंगी फॉर श्योर फर्न होंगे यू विल बी यू विल जस्ट ऑब्जर्व इट आफ्टर द क्लास राइट यू विल फाइंड इट अगर तुमने घर में बहुत सारे प्लांट्स लगा रखे हैं भी होती हैं कई बार हमें पता नहीं होता कि वो पर्टिकुलर प्लांट फर्न है सो टेरिडोफाइट के केस में क्या हो जाता है बच्चे प्रॉपर डिफ्रेंसिएटेड है प्रॉपर मतलब रूट है स्टेम है लेकिन सीड है सो so, हमारे पास यहाँ पे फर्न आ जाएंगे सो so, ये पहले सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है इन्हें स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम भी कहते हैं क्या कहते हैं स्नेक ऑफ द प्लांट किंगडम सो वॉट डू दे दे हैव हैव जाइलम एंड फ्लोएम पहले प्लांट्स डन सो बच्चे ये भी कूल डैम शेडी प्लेसेस के पास फ्लरिश करते हैं एंड नो डाउट द गमीटो इन देयर केस इट इज इट आल्सो रिक्वायर वाटर उसको भी पानी चाहिए राइट right? उसको भी क्या चाहिए उसको भी पानी चाहिए जशनप्रीत सो so अगर उसको पानी चाहिए वाटर इज रिक्वायर्ड है ना इस केस में सो so, इसीलिए हम ये नहीं कहते कि फर्न भी हर जगह प्रेजेंट है नहीं इसीलिए फर्न भी एक्वेटिक बॉडीज के आसपास हमको मिल जाती है ये पॉइंट आ जाता है डान बच्चे सो एज आई सेड मेन प्लांट बॉडी पोरोफाइड एप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है प्रॉपर डिफ्रेंसिएटेड है रूट स्टेम और लीव्स में और वेल डिफ्रेंसिएटेड वेस्कुलर टिश्यू है सेम पॉइंट इट इज डान बच्चे अब एक और पॉइंट जैसे इनके केस में तो है ये जो हमारे अब मैं थोड़ा एक ऐसे कहते हैं ना गंदा सा डायग्राम लेकिन हमारा टॉपिक हो जाएगा उस गंदे से डायग्राम से सो so, ये जो हमारे पास लीव्स है कुछ एक लीव्स के पास ना कुछ एक लीव्स के पास बच्चे तुम्हारे स्पोर बेरिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट है समझना इसको कुछ एक लीव्स के पास स्पोर बेयरिंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है मतलब ऐसे स्ट्रक्चर्स है उन लीव्स के ऊपर जिनमें स्पोर्स बनेंगे क्या बनेंगे स्पोर्स बनेंगे फाइन इट्स अ स्पोरोफाइट मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट इट इज गोइंग टू फॉर्म द स्पोर उस स्पोरोफाइट में कहा स्पोर बन रहा है स्पोर बनेगा किसमें स्पोरेंजियम में लेकिन अब ये जो लीव्स हैं राइट स्पेशल लीव्स जिनके पास स्ट्रक्चर है पहले समझने के लिए इसको देखो जैसे मान लो ये आ गया है एक स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम माने वो स्ट्रक्चर इन विच विल फॉर्म सो इफ इट स्पोरेंजियम सो ये क्या है द स्ट्रक्चर इन विच स्पोर्स विल फॉर्म सो इफ इट इज स्पोरेंजियम क्या है ये स्पोरेंजियम सिंगुलर स्पोरेंजिया प्लूरल ठीक है दिबांशी दीपांशी दीपांशी वेट करती थी मैं मैंने कहा रह गया ये टेक, ये सारे बच्चे हैं ठीक so, है जिसमें बनते जिन के पास ऐसे स्पोरेंजियम या स्पोरेंजिया है उन लीव्स को हम कहते हैं स्पोरोफिल क्या कहते हैं बच्चे हम उन लीव्स को स्पोरोफिल वो लीव्स जिनके पास स्पोर बनाने वाले स्ट्रक्चर प्रेजेंट है अभी तो हमने स्पोरेंजियम सुना है ना लेकिन स्पोरेंजियम के अलावा तुम देखोगे राइट right? स्पोरेंजियम के अलावा तुम देखोगे इनमें स्ट्रोबाइली की हम बात करेंगे भी बनते हैं बच्चे। बनते हैं। ये सारी चीजें डिस्कस करते हैं तो स्पोरोफिल सबको समझ में आया लीव्स विच बीअ स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स दे आर नोन एज स्पोरोफिल व्हाट आर आर नोन एज स्पोरोफिल, राइट right? अब कुछ एक टेरिडो में क्या होगा यह भी समझ लो एग्जाम्पल्स हम लोग सेपरेटली करेंगे स्पोरोफिल्स, कुछ टेरिडो क्या करते हैं सेम तरह के स्पोर्स बनाते हैं हम उन्हें बोलते हैं होमोस्पोरस राइट होमो माने सेम इन्होंने सेम तरह के स्पोर्स बना दिए दोनों स्पोर्स सेम तरह के हैं होमोस्पोरस राइट ये देखो बिल्कुल सेम तरह के स्पोर राइट सिंपल वर्ड इज स्पोरोफिल कुछ एक में क्या होता है पहले समझने के लिए इसको ऐसे देखो बच्चे कुछ एक लीव्स में क्या होता है कुछ एक स्पोरोफ़िल्स क्या होते हैं दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग बच्चे ना ये देखो उनमें बच्चे क्या होगा अलग अलग तरह के स्पोर्स बनाएंगे वो मतलब ये कि जो जो स्पोरोफिल जो स्पोरोफिल बनाएगा तुम्हारे छोटे माइक्रोस्पोर्स जिन स्पोरोफिल पे जो माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट है जो छोटे माइक्रोस्पोर्स बनाते हैं उस स्पोरोफिल को तुम बोलते हो माइक्रोस्पोरोफिल ये वर्ड लिख लो सो माइक्रोस्पोरोफिल लिखा है मतलब इसके पास क्या होगा इसके पास माइक्रोस्पोरेंजियम होगा क्या प्रेजेंट होगा माइक्रोस्पोरेंजियम प्रेजेंट होंगे और वो कौन से स्पोर्स बनाते हैं माइक्रोस्पोर्स राइट right? माइक्रोस्पोर्स सो so, नेचर में बच्चे जब छोटे गैमिट्स की बात आती है तुमने ह्यूमंस के केस में भी देखा है हम बोलते हैं ना फीमेल गैमिट इज लार्ज साइज कम बनते हैं लार्ज साइज है फीमेल गैमीट लेकिन अगर तुम मेल गैमीट की बात करो तो उसका साइज कंपैरेटिवली स्मॉल है फीमेल गैमीट क्या है लार्ज साइज है सो so, जब माइक्रोस्पोर की बात आ गई जिम्नोस्पर्म्स में भी हम लोग ये एंजियोस्पर्म्स में भी हम लोग ये चीज देखते हैं एंजियोस्पर्म में पता है पोलन ग्रेन्स पोलन ग्रेन्स राइट माइक्रोस्पोर से बना है वो पोलन ग्रेन जिसमें मेल गैमीट बनता है राइट सो मेल मेल स्पोर्स आगे स्मॉल इन साइज माइक्रो राइट फीमेल के केस में क्या हो जाएगा ये क्या है मेल गैमिट मेल स्पोर्स बनेंगे ये मेल गैमिटोफाइट बनाएंगे फीमेल के केस में मान लो तुम्हारा मेगा स्पोरो आ जाएगा सो so, मेगा या मैक्रो स्पोरो वॉट विल बी दर्ड हेयर मेगा स्पोरो फिल. तो उसके पास होगा मेगा स्पोरेंजियम क्या होगा मेगा स्पोरेंजियम वो क्या बनाएगा मेगा स्पोर बनाएगा बड़े स्पोर्स फाइन सो so, ये फर्दर स्पोर्स बनाएंगे फीमेल गेमीटोफाइट सो तो ये पार्ट समझ में आया सो तो जो तुम्हारे जो प्लांट्स तुम्हारे जो प्लांट्स तुम्हारे जो टेरिडोफाइट सेम तरह के स्पोर्स बना रहे हैं होमोस्पोरस दे आर जो टेरिडोफाइट्स तुम्हारे अलग तरह के स्पोर्स बना रहे हैं राइट वो हो गए हेट्रोस्पोरस सो तो पहले स्पोरोफिल समझ में आया स्पोरोफिल समझ में आया जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर जिसके ऊपर वो अ लीफ लाइक अपेंडिज जिसके ऊपर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें स्पोर्स बनने हैं फाइन इज इट क्लियर ये देखो यहां आ जाओ ये लिखा है ना लीव्स इन द टेरिडोफाइट दे आर स्मॉल इफ दे आर स्मॉल माइक्रोफिल्स माइक्रोस्पोरोफिल जैसे सेलेजिनेला में लार्ज है जैसे फर्नज में राइट सो स्पोरोफाइट के पास क्या होगा स्पोरेंजिया जिसमें क्या बनना है स्पोर बनने सो so, जिन जिन

फाइन स्ट्रोबाइली और, और इक्विसिटम है, डन होमोस्पोरस मैंने तुम्हें बता दिया सेम तरह के सेम तरह के जो स्पोर्स बनाएंगे बच्चे जशनप्रीत पहले पॉइंट में कुछ नहीं लिखा सिर्फ ये बोला है कि कुछ देखो स्पोरोफिल लीफ लाइक अपेंडिज जिसके ऊपर स्पोरेंजिया प्रेजेंट है जिसपे स्पोर बनेगा छोटे साइज के हैं तो माइक्रोस्पोरोफिल कह लो या माइक्रोफिल कह लो लार्ज साइज के हैं मैक्रोस्पोरोफिल कह लो या मेगा स्पोरोफिल कह लो या मैक्रोफिल कह लो सिंपल एज दैट डन सिंपल सो so, सेलेजिनेला और सालवीनिया नोट डाउन द एग्जाम्पल नोट डाउन द एग्जाम्पल सो दे प्रोड्यूस टू काइंड ऑफ स्पोर्ट लार्ज और स्मॉल दे आर हेट्रोस्पोरस सो ये एग्जाम्पल नोट कर लो होमोस्पोरस की और हेट्रोस्पोरस की डन होमोस्पोरस की और हेट्रोस्पोरस की सो so, समझ में आई ये वाली पार्ट समझ में आई सो so, बाकी देखो स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे ऑफकोर्स क्या बनाएंगे ये क्या बनाएंगे मल्टीसेलुलर फ्री लिविंग ये मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया है इनके केस में क्या चलता है फ्री ंग वरी लिविंग गैमिटोफाइट होगा जो फोटो सिंथेटिक होगा राइट सो जैसे ही स्पोर जर्मिनेट किया स्पोर फाइन इट इज गोइंग टू इट इज गोइंग टू जर्मिनेट स्पोर क्या करेगा जर्मिनेट करेगा सो जैसे ही जोर्मिनेट किया तो उसने एक थैलस लाइक थैलोइड गैमेटोफाइट बना दिया जिसको हमने कहा प्रोथैलस सो so, बच्चे प्रोटोनिमा और प्रोथालस में कंफ्यूज नहीं होना है प्रोटोनिमा तुम पढ़ते हो मॉसेस के केस में ब्रायोफाइट्स में जब जैसे ही स्पोर जर्मिनेट किया फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर बने फिलामेंट लाइक मैशवर्क बना उसको प्रोटोनिमा कहा फिर लीफी गेमिटोफाइट बनता है यहां जब स्पोर जर्मिनेट हुआ सो so, फोटो जो थैलोइड गेमिटोफाइट बना उसको हमने कहा प्रोथालस क्या कहा हमने प्रोथालस सो so, इट इज टेरिडोफाइट सो ऑफकोर्स क्या होने वाला है इसमें ये टेरिडोफाइट्स हैं सो so, इनके केस में क्या स्टोरी है बच्चों इनके केस में ये स्टोरी है कि इनका जो गैमिटो है वो इंडिपेंडेंट है वो फोटोसिंथेटिक है उसने गैमीट्स बनाने हैं सो so, उसको चाहिए कूल डैम्प और शेडी प्लेसेस राइट उसको पानी चाहिए फर्टिलाइजेशन के लिए इन गैमीट्स को दैट इज वाई दीज एंड रिस्ट्रिक्टेड ये सब जगह नहीं है जहां वॉटर ज्यादा मिलेगा इन्हें वहां ये मिलते हैं फाइन गैमिटोफाइट so, तुम्हें पता ही है अगर तो हेट्रोस्पोरी है मेल गैमिटोफाइट अलग फीमेल गैमिटोफाइट अलग तो तुम्हें पता है क्या हो जाएगा मेल गैमिटोफाइट के पास होंगे मेल सेक्स ऑर्गन एंथेरिडिया राइट एंथेरिडिया क्या है एंथेरिडिया मेल सेक्स ऑर्गन वाइन और आर्किगोनिया गोनिया ऐसे याद रखना जी फॉर गर्ल फीमेल सो ये है फीमेल सेक्स ऑर्गन फाइन

कौन सा प्लांट है उसकी क्या क्या अडेप्टेशन है रिक्वायरमेंट्स तो है कई शेड प्लांट्स हैं तुम्हें पता है कई सन प्लांट्स है जिन्हें बहुत ज्यादा धूप चाहिए कई को बहुत ज्यादा शेड चाहिए राइट सो ये सारी चीजें भी हैं समझ रहे हो सो कूल कूल प्लेसेस चाहिए अभी गेमीटोफाइट है ये अभी धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है प्लांट्स का सो टेरिडोफाइट्स में स्पोरोफाइट के पास तो प्रॉपर वेस्क्यूलर टिश्यू है पर इस गेमिटोफाइट को भी तो ग्रो करना है सो ये क्या करेगा ये इस तरह की कंडीशन में रहेगा ताकि इसको भी वाटर अवेलेबिलिटी ईजी रहे उस पानी की मदद से इसके गैमीट्स राइट बेसिकली फ्यूजन में मदद हो जाए डान बच्चे जैसे हमने ब्रायोफाइट्स में देखा था तो गैमिटो को पानी चाहिए गैमिटोफाइट को बहुत ज्यादा ड्राई कंडीशंस नहीं चाहिए फाइन ठीक है so, ये समझ में आया है, वैसे इतना हल्ला मचाया था प्लांट किंगडम प्लांट किंगडम ऐसे शांत होके बैठे हो तुम सब हो कि निकल लिए यहाँ पे बैठे हो या निकल लिए चलो फोकस करते हैं यहाँ पे अब सो डेवलपमेंट ऑफ जाइोड इन यंग एम्ब्रियो टेक प्लेस विद इन द फीमेल फाइट दिस इज इंपॉर्टेंट अब अपने आप देखो बच्चे फीमेल गेमीटोफाइट है मतलब वो स्ट्रक्चर जो फीमेल गैमीट्स बनाएगा सो so, इसके पास होंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स ऑफ कोर्स जैसे कि आर्किगोनियम सो so, उसी आर्किगोनियम में या उसी आर्किगोनिया में एग प्रेजेंट होगा यस और नो उसी आर की गोनिया में एग प्रेजेंट होगा नो, yes no. है ना? अब आ गया मेल गैमीट, गो मेल के पास राइट इस एग को करेगा फ्यूज ये लिख लो तुम लोग ये मैंने ब्रायोफाइट्स में भी कल तुम्हें बताया नहीं था ना आप बता देती हूँ ब्रायोफाइट्स में भी हम लोग लिखते हैं सुना ये वर्ड

एग और इसकी हो गई फ्यूजन राइट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल प्रदीप बिल्कुल कल किया था हमने ये डिस्कस कि टेरिडो जिम्नो एनजियो तीनों के पास वेस्क्यूलर टिश्यू है तीनों को मिलके हम लोग बोल देते हैं ट्रैक्योफाइट सो so, यस yes. सो so, यहाँ पे जैसे ही फ्यूजन हुआ जैसे ही वो जाइगोट बना सो so वो जाइगोट ग्रो करेगा फीमेल गैमिटोफाइट पे ही ग्रो करेगा फीमेल गैमिटोफाइट के ऊपर ही वो जाइगोट ग्रो करने वाला है वो मल्टी स्टेज बनेगा वो एम्ब्रियो बनेगा बेसिकली सो so ये जो ये ये जो ये इवेंट है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है एवोल्यूशन के लिए धीरे धीरे जैसे ये हेट्रोस्पोरी आ गई ये ये जो ये इवेंट हुआ ये सीड एवोल्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है राइट सीड एवोल्यूशन के लिए भी इंपॉर्टेंट है सो दिस इज इंपॉर्टेंट राइट right, ये जो इलेवेंथ के बच्चे हैं जो केवीबीवाई को टारगेट कर रहे हैं उनके बोर्ड एग्जाम्स में या तुम्हारे वैसे भी एग्जाम्स हो रहे हैं 11th में तो ये टॉपिक है कि हेट्रोस्पोरी क्या है कब हम लोग सबसे पहले वो देखते हैं कौन सा इवेंट है जो इवोल्यूशन में टेरिडोफाइट के प्रिकर्सर में, में है सीड तो है which will develop into a well differentiated adult sporophyte of course which is the dominant phase so here you can see right ये dekh lo tum log so life cycle में ये देखो, sorus cluster of sporangia बहुत सारे sporangia together this is sorus क्लस्टर ऑफ स्पोरेंजिया सो इसमें क्या बनना है बच्चे स्पोर्स बनेंगे राइट right? कैसे बनेंगे क्योंकि इस स्पोरेन्जियम के अंदर कुछ सेल दे विल अंडरगो मियोसिस दे विल अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन राइट दे विल अंडरगो रिडक्शनल डिवीजन राइट सो दे विल जर्मिनेट दिस प्रोथैलस दिस गैमेटोफाइट विल फॉर्म व्हिच इज फोटोसिंथेटिक व्हिच इज इंडिपेंडेंट और धीरे-धीरे क्या हुआ बच्चे मेल गैमेटोफाइट पे एंथ्रीडियम फीमेल पे आर्किगोनियम अंदर बनेंगे गैमीट्स फ्यूज किए Zygote bana, zygote उसी पे ग्रो कर रहा है एंड धीरे 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 यंग so, स्पोरो uh, xylo, uh, so, करना जैसे एडियंटम वॉकिंग फोन भी उसे बोलते हैं राइट एग्जाम्पल्स डिस्कस करना है इसकी इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट भी है जैसे यहां पे देखो जप्सिडा में जाइलोटम का एग्जाम्पल है सेलेजिनाला इक्विसिटम जिसको टेल भी कहते हैं ये देखो इसके पास हैं फाइन इसका स्ट्रक्चर इस तरह से ये आ गया फाइन सो डू चेक द एंड द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कुछ कुछ मैं बता देती हूँ सो ऑर्नामेंटल प्लांट्स एक तो ये सजावट के लिए काम आते हैं जब वर्ड आ गया ना ऑर्नामेंटल सजावट के लिए काम आ रहे हैं बाइंड सॉइल On slopes. Soil erosion को रोकेंगे, right. so, ये जो टेरेस है ये है, है. है, जिसका और as drug भी यूज होता है. Azola, बच्चे, जो एक नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करती है एनाबीना के साथ राइट right. एनाबीना के साथ सो so, इक्वेटम बच्चे तुम ये कह लो मेटल्स की पॉलिशिंग के लिए उनको रगड़ना उसके लिए काम आएगा जान? नाम याद रखने के लिए कुछ नहीं करना बार बार रिवाइज करना है और कुछ नहीं करना जितना हो सके उतना इसको रिवाइज रिवाइज करो रिवाईस। हो जाएंगे नाम पता है क्या किया करो मैं ये सब बच्चों को बोलती हूँ अपने भाई बहनों के नाम रखो जरूरी है ऐसे झगड़ा करते करते गंदे नाम देने ऐसे बोला करो तू ना हाथ से हो गया राइट जैसे कई तुम्हारे वुडी फोन भी होंगे जिनमें वुड्स होंगे तो ऐसे नाम दे दिए जैसे मैं क्या करती हूँ जो स्ट्रे डॉग्स है आई एम ऑफ डॉग्स लेकिन जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको नाम दे दिया आज से इस डॉगी का ये नाम आज से उस डॉगी का ये नाम वो नाम याद हो जाता है दोस्तों के नंबर दोस्तों के नंबर किसी बोटानिकल और जोलॉजिकल ने सेव करना शुरू कर दो जब फोन आएगा तो तुम्हें याद हो जाएगा अच्छा ये ये है राइट ये है जैसे मैंने एक नंबर सेव किया था बुबेल बुबेलिस किसके नाम से बुबेल ये बफलो का जोलॉजिकल नेम है मुझे याद नहीं हो रहा था तो मैंने किसी दोस्त का नाम सेव कर दिया तो जब भी फोन बजता है बुबैलिस बुबैलिस याद हो जाता है सो दिस इज हाउ यू कैन रिवाइज एज वेल सो अप्लाई करो इन ट्रिक्स को काम आएंगी तुम तो छोटे छोटे बच्चे हो ना तुम्हारे पास तो सॉफ्ट टॉय भी होंगे उनके नाम भी रख लेना ठीक है नहीं ऐसा नहीं बोला मम्मी ये नहीं बोलेगी पागल हो गया है बोलेंगे मम्मी बोले बच्चा सिंसियर हो गया है याद करने के लिए कितनी पढ़ाई कर रहा है मम्मी पापा का नाम मत रख देना फिर वो मुझे मारेंगे बोलेंगे कोई जरूरत नहीं है ये चैनल देखने की कोई जरूरत नहीं है पढ़ाई करने की फिर यहां से है ना तो ये सारी चीजों पे फोकस करो ठीक है चलो सो किंगडम प्लांटी जिम्नोस्पम्प्स किस पे आ जाएंगे हम हम जिम्नोस्पम्स पे बच्चे इनके पास है नेकेड सीड्स पर इनके पास फ्लावर्स नहीं है सो ये जो तुम्हारा जिम्नो और एंजियो है क्या है तुम्हारे पास ये जो जिम्नोस्पर्म्स हैं और एंजियोस्पर्म्स हैं इन दोनों के पास जो लाइफ साइकल की बात तुम करोगे सो so, इनके केस में होता है मैंने कल भी बताई थी तुमको ये चीज इनके केस में होगा हमारे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकल व्हाट विल बी देयर देयर विल बी डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल फाइन बच्चे डिप्लोंटिक लाइफ साइकिल रहेगा इनके पास ठीक है मतलब कि स्पोरोफाइट विल बी डोमिनेट इट इज द स्पोरोफाइट विल बी विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिपेंडेंटकोर्स इफ इट इज इंडिपेंडेंट अपना खाना खुद बना रहा है इट विल बी फोटोसिंथेटिक फाइन बच्चे फोटोसिंथेटिक होगा फोटोसिंथेटिक खुद से खाना बनाएगा खुद से खाना बनाएगा जो गैमीटोफाइट है विच इज गोइंग टू फॉर्म द गैमीट वो क्या है डिपेंडेंट है वन टू फ्यू सेल्ड स्टेज है डिपेंडेंट है किस पे स्पोरोफाइट पे टोटली totally, स्पोरोफाइट पे टोटली totally डिपेंडेंट है सो so ये आगे तुम्हारे जिम्नो और एनजीओ दोनों में सीड हैबिटेट है इसीलिए दोनों क्या है बच्चे दोनों को हम कहते हैं स्पर्मेटोफाइट या फिर फिनेरोगैम्स ये नाम मैंने भी बोल्ड में लिख दिए तुम भी लिख लो सीड हैबिटेट की वजह से फिनेरोग्स या स्पर्मेटोफाइट राइट फिनेरोग्स या स्पर्मेटोफाइट स्पर्मेटोफाइटा रादर है ना दे हैव दैट सीड हैोग

क्या होगा सीड्स आर ये होते हैं, points, जो फटा -फट तुम्हारे दिमाग में हिट होने चाहिए वॉट आर देर क्विक रिविजन पॉइंट क्विक रिविजन पॉइंट सुन चलिए सो जिम्नोसपॉम्स की जब तुम बात करते हो मीडियम साइज ट्री है बच्चे टॉल भी है श्रब्स भी है जैसे तुमने पाइन देखा है पाइन जाते हैं ना जब पहाड़ों पे जाते हैं चीड़ के पेड़ पाइन पाइनस साइकस भी देखा होगा साइकस साइकस देखा है साइकस है ना साइकस तुमको पता है साइकस को ना साइकस को लिविंग फॉसिल भी कहते हैं क्या कहते हैं साइकस को लिविंग फॉसिल भी कहते हैं लिविंग फॉजिल का मतलब ये होता है कि कोई भी प्लांट या एनिमल जिसको लिविंग कहा जाता है उसके बाकी के साथ के मेंबर्स जो उसके साथ वाले मेंबर्स हैं राइट जो उसके कौन से मेंबर्स हैं साथ वाले मेंबर्स हैं साथ 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 वो वाले मेंबर्स क्या हो गए क्या हो गए हैं वो मेंबर्स वो मेंबर्स एक्सटिंक्ट हो गए या हम ये कह सकते हैं कि लिविंग फॉसिल वो है जिसमें जिस तरह के कैरेक्टर्स हैं वो किसी फॉसिलाइज्ड ग्रुप के साथ

सो लिविंग फॉसिल सो साइकस अनब्रांच्ड है सर पे इतने सारे ऐसे आगे ना पत्ते सो इस तरह की अरेंजमेंट को हम कॉडेक्स भी कहते हैं अनब्रांच्ड स्टेम के लिए वर्ड हम कॉडेक्स भी यूज करते हैं पाइनस की बात करोगे सो इट इज ब्रांच्ड व्हाट इज इट इट इज ब्रांच्ड ब्रांच्ड है ये पाइन इट इज ब्रांच नान बच्चे, सो और तुम्हें पता है ट्री। वैसे है, 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 है वैसे ज़्यादा लेकिन जो ट्री है, वो भी है, सिकोया। Red giant wood भी जिसे तुम कहते हो भी जिसे तुम कहते हो सिकोया राइट इट इज अस्पम्स व्हिच इज वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री स्पीशीज राइट वन ऑफ द टॉलेस्ट ट्री फाइन और साइकस क्या है अनब्रांच है पाइनस क्या है ब्रांच है दोनों एक सिम्बायोटिक्स एसोसिएशन शो करते हैं दोनों के दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करते हैं जैसे ये देखो साइकस या गया पाइनस साइकस क्या है अनब्रांच प्लस बच्चे साइकस है डाइशियस याद है तुम्हें डाइशियस मतलब मेल एंड फीमेल सेपरेट मेल एंड फीमेल सेपरेट क्या है ये सेपरेट है दे आर सेपरेट डाईशियस जैसे मैंने तुम्हें बताया था ना बी एम बी एम एच याद रखना है तुमने शायद तुमने किसी क्लास में सुना होगा मुझे ये बोलते हुए बी एम एच याद रखो बीएमएच बी एम एच मतलब बायसेक्सुअल मतलब मोनोइशियस हरमेफ्रोडाइट बायसेक्सुअल मोनो जैसे एनिमल्स के केस में भी यूज दिस वर्ड हरमेफ्रोडाइट मतलब क्या है इसका दे आर बायसेक्सुअल दे आर मोनोइशियस सो इन वर्ड्स में कंफ्यूज मत होना बी एम एच याद रखना तो ये जो तुम्हारा साइकस है वो डाइशियस है मेल एंड फीमेल सेपरेट ये जो पाइनस है ये मोनोइशियस है और ये क्या है ये ब्रांच जो है वॉट इज इट इट इज ब्रांच्ड क्या है ये ये ब्रांच है वाइन? जी, अब ठीक है बच्चे अगर तुम की रूट्स की बात करो सो इसकी रूट्स होती है, रूट्स. क्या वर्ड यूज करते हैं हम इसकी रूट्स के लिए रूट्स. विच रूट्स आर दे मतलब ये कि इन रूट सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है राइट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं इन रूट्स में और वो क्या फिक्स करते हैं ऑफकोर्स नाइट्रोजन तो ये एक तरह से हो गई ना नाइट्रोजन फिक्सिंग रूट्स क्योंकि इन रूट सेल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं कोरेलोइ पाइनस की बात करोगे तो पाइनस के पास क्या आता है पाइनस शो करता है ये एसोसिएशन सो साइकस सी फॉर साइकस सी फॉर कोरेलॉइड रूट्स सी फॉर साइकस सी फॉर कोरेलॉइड रूट्स पाइनस के केस में इट इज माइकोराइजा माने रूट्स ये क्या कर रही है रूट्स दे शो सिम्बायोटिक एसोसिएशन दीज रूट दे यूज टू शो सिम बायोटिक एसोसिएशन विद द फंगल हाइफे तुमको पता है फंगल हाइफे के साथ ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती हैं दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पाइनस की रूट ये एग्जाम्पल ये वर्ड ये माइकोराइजा ये इम्पोर्टेंट है सो so ये जो पाइनस की रूट्स है फंगल हाइफे के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो करती है दोनों का भला हो रहा है ये क्या करेंगे फंगल हाइफे उसको सोइल से फॉस्फोरस अब्जॉर्व करके देंगे

हाइफ़े, फंगल हाइफे डन ठीक है सो इसको कर लो इसको कर लो आई एम गुड ये लिख लो फाइन सो so, पाइनस के केस में है तो ये मोनोइशियस, मोनोइस मेल और फीमेल कौन बनते हैं इनके पास कौनस प्रेजेंट है मेल कौन स्मॉल साइज का फीमेल के कौन बड़े साइज का साइकस के केस में तुम स्पोरोफिल्स देखोगे दान बच्चे सो ये देखो दोनों के फोटोज देख लो चलो सो so, जैसे तुम्हें पता है में क्या होता है, है, जैसे पाइनस की भी बात करते हो तुम, तो निदल लाएक। निदल लाएक है। कैसे है? प्लस, वेरी थिक। so, बच्चे, इट इज दीरोप्टेशन इट इज देशन टू सरवाइव इन द ड्राई और इन दंडीशन राइट इट इज द अडेप्टेशन फॉर द सर्वाइवल इन द ड्राई और इन द ज़ेरिक दंडीशन फाइंड फॉर द ड्राई और द ज़ेरिक कंडीशन तुम लोग इसको नोट करो जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज जस्ट गि मी ए मिनट इसको नोट करना चले लेट स्टार्ट नो नो बच्चे अभी तक कोई अपडेट नहीं है बट सून यू विल बी अपडेटेड अगर कुछ भी आई कोई भी अपडेट आई वी विल लेट यू नो चलो सो निडल लाइक लीव्स है थिक लीव्स है राइट इट इज अ जीरो अटिक अडाप्टेशन ताकि वाटर लॉस कम हो थिक लीव्स है निडल लाइक -like है सरफेस एरिया रिड्यूस हो जाएगा Cuticle, thick cuticle है, so, ये सारी की सारी किसके लिए है ड्राई ताकि वो प्लांट ड्राई कंडीशन में सर्वाइव कर सके डा और जिम्नोफॉर्म्स हमेशा याद रखना ये क्या है सबके सब, सब हेट्रोस्पोरस अलग अलग तरह के स्पोर्स बनाएंगे मेल फीमेल डिफरेंट टाइप्स के स्पोर्स बनाएंगे सेम स्पोर्स नहीं बनाते so, पाइनस के केस में वी हैव सीन दिस कॉन राइट और इन द केस ऑफ साइकल ऑल्सो स्पोरो

डन शो ये देखो स्ट्रोबाइली कौन जिसके पास माइक्रोस्पोरोफिल है उस पर माइक्रोस्पोरेंजिया होगा वो बनाएगा वो होगा मेल स्ट्रोबाइली और वो बनाएगा माइक्रोस्पोर क्या बनाएगा माइक्रोस्पोर और कोन्स जिनमें मेगास्पोरोफिल्स हैं राइट इनके पास क्या आ जाएगा ओव्यूल्स ओव्यूल्स को ही बच्चे मेगास्पोरेंजिया कहते हैं राइट सो वो हो जाएंगे फीमेल स्ट्रोबाइली वो बनाएंगे फीमेल गैमिट्स

सो so, इनके केस में फ्लार नहीं है तो ओव्यूल किसी भी ओवरी के अंदर नहीं है राइट right? सो so, इसीलिए सीड्स क्या हो जाते हैं सीड्स है, है निकेड सीड्स क्या है बच्चों सीड्स है निकेड फाइन सीड्स क्या है सीड्स आर निकेड इन द केस ऑफ जिम्नोस्पम्स सो एक एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट करेंगे तब पढ़ना जो ये जो जिम्नोस्पम्स है इनमें ट्रिपल फ्यूजन तो होगा नहीं सो so इनमें जो एंडोस्पर्म होता है जिम्नोस्पॉम्स के केस में जो एंडोस्पॉम है वो हेप्लॉइड होता है वो क्या होता है हेप्लॉइड होता है और ओव्यूल को ही हम क्या बोलते हैं मेगा स्पोरेंजियम क्या बोलते हैं हम मेगा स्पोरेंजियम और जिम्नोस्पॉम्स के जो पोलन ग्रेन्स हैं वो हम बोलते हैं वो कैसे हैं वो है विंग्ड ताकि पॉलिनेशन में मदद मिल सके जैसे मान लो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा विंगड ताकि विंड पॉलिनेशन में मदद मिल सके सो पोलन ग्रेन विंग कहा जाता है मेल गेमीटो पाइट ये अभी मैं चार्ट बनाऊंगी उस पर लिखना इट इज मेल गेमीटो फाइट पोलन ग्रेन और व्यूल है मेगा स्पोरेंजियम राइट ओव्यूल है मेगा स्पोरेंजियम उस ओव्यूल में बनने वाला एम्ब्रियो सैक बच्चे ये हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लॉरिंग प्लांट्स में डिटेल में करते हैं लेकिन अभी के लिए ये नाम लिख लो उसमें बनने वाला एम्ब्रियो सैक है फीमेल गैमेटोफाइट क्योंकि वो फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है डन सो ऑफ कोर्स इट विल बी ये लिख लो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है इसको नोट कर लो सो so जिम्नोस्पर्म्स के केस में एंडोस्पर्म विल बी है क्योंकि जिम्नोस्पॉम्स में ट्रिपल फ्यूजन नहीं होता एंजियोस्पॉम्स में होगा वो किसमें होगा एंजियोस्पॉम्स में सो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से पहले हाँ हम लोग अपना कुछ कुछ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें लिखते हैं लिख लो थोड़ा एंजियोस्पॉम्स स्टार्ट करेंगे हम लोग फ्लावरिंग प्लांट्स हैं ये बच्चे दो क्लासेस आ जाएंगी मोनोकॉर्ट्स और डाइकॉट्स लेकिन इसमें कुछ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो क्विक रिवीजन टाइप के पॉइंट्स है यस दे आर फ्लावरिंग प्लांट्स वी नो इट वेरी वेल इन देयर केस फ्लावर्स विल बी देयर यस वी नो इट वेरी वेल दे विल हैव मोनोकट्स एंड मोनोकट्स आर एडवांस्ड विद द दे विल हैव डाइकट्स सो मोनोकोट मोनो माने सिंगल वन कॉटिलेडन ये जो सीड आ जाएगा जो एम्ब्रियो आ जाएगा उसके पास वन कॉटिलेडन होंगे यहां पे होंगे दो कॉटिलेडन सो कॉटिलेडन इज नथिंग द स्ट्रक्चर इन विच द फूड विल बी स्टोर द रिजर्व फूड मटीरियल मोनोकॉट और डायकॉट और मोनोकॉट क्या है एज कंपेयर टू डायकॉट्स दे आर एडवांस फाइन दे आर एडवांस फ्लॉरिंग प्लांट्स दे आर राइट सो इनकेस में जो तुम पढ़ते हो याद है वाह आज डायग्राम बिल्कुल सही बनी ये स्ट्रक्चर पता है किसी को ये स्ट्रक्चर पता है चलो अच्छे से ना एक ही स्लाइड में सारे नोट्स बनाते हैं अच्छे से इसको डिस्कस करते हैं ये ये क्या है बच्चे एंथर ये क्या है फिलामेंट एंथर और फिलामेंट क्योंकि फ्लावर आ गया ना इंजियस फॉर्म में एंथर और फिलामेंट राइट ये फिलामेंट का प्रोक्सिमल एंड अटैच्ड है इस थैलेमस से फ्लार की स्टॉक को हम बोलते हैं पेडिसल, दिस वोलन पार्ट इज थैलमस और रिसेप्टिकल थैलमस और रिसेप्टिकल सो फ्लार भी क्या है एक तरह से तुम्हारे आ, शूट एपिकल मैरिस्टम से ही बना है कंडेंस्ड शूट है फ्लार भी क्या है ये कंडेंस्ड शूट है फ्लार भी सो so, पेडिसल आ गया स्टॉक ऑफ द फ्लॉर दार्ट इज थैलेमस ये फिलाेंट द प्रोक्सिबल पार्ट ऑफ फिल्मेंट इज अटैच टू थेमस ये कभी नीट का क्वेश्चन था और यह आ गया एंथर राइट सो एंथर और ये फिलाेंट टूगेदर वॉट इज इट इट इज सेमेंट मेल पार्ट यह क्या है मेल पार्ट उस फ्लार का क्या है ये फ्लार का मेल पार्ट सो एंथर प्लस फिलामेंट स्टेमेन देखो स्पेलिंग्स में दे रखा है ना मेन मेन आदमी बहुत सारे आदमी बड़ा स्टेमेन सो एंथर प्लस फिलामेंट इज स्टेमेन और इसी स्टेमेन को तुम लोग कहते हो क्योंकि इसी के ऊपर तो स्पोरेंजियम तो है इसी के अंदर तो स्पोर बनने हैं सो स्टेम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज या द माइक्रोस्पोरोफिल सो इज इट क्लियर एवरी वन इज इट क्लियर एवरी वन समझ में आई अब देखो एक चीज और फीमेल पार्ट की जब हम बात करते हैं फीमेल पार्ट की जब हम बात करते हैं सो फीमेल पार्ट में क्या आ गया स्टिग्मा स्टाइल ओवरी राइट फीमेल पार्ट ये क्या बनाएगा स्टिग्मा स्टाइल ओवरी इसको पिस्टल या फिर पिस्टल या फिर कापिल स्टिग्मा रिसीव करता है पॉलन स्टाइल क्या है वो पार्ट है ये जो लॉन्ग फिलामेंट लाइक पार्ट है यहीं से तो पोलन ट्यूब धीरे 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 पहुंचेगी और इसी ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल फाइन ओवरी के अंदर की कैविटी ओवेरियन कैविटी इसी ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल राइट सो ये हो गया फीमेल पार्ट सो so, इस फीमेल पार्ट को हम लोग क्या कह देते हैं दैट विल बी योर मेगा स्पोरो वॉट इज इट इट इज मेगा स्पोरोमन माइक्रोस्पोरो जो हमारे पास आ गया ये आ गया मेगा स्पोरो फाइन बच्चे ये मार्क कर लो तुम लोग अगर एक फ्लावर के पास दोनों पार्ट है दैट विल बी दैट विल बी योर यस दैट विल बी योर बायसेक्सुअल फ्लावर एक है तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर ये कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम डिस्कस करते हैं बच्चे एंजियोस्पर्म्स में फाइन इसको मार्क कर लो अब साथ में एक बनाओ टेबल क्या बनाना है तुमने टेबल सो टेबल में क्या लिखोगे ये क्विक रिवीजन के लिए कि स्टेमन हाँ फिर पिस्टल या कापिल राइट फिर आ जाएगा तुम्हारा पोलन सैक ठीक है पोलन ग्रेन ओके सो एक आ गया तुम्हारा पिस्टिल पोलन सैक पोलन ग्रेन अव्यूल और एम्ब्रियो सैक ये लिख लो एम्ब्रियो सैक जल्दी ये अपने नोट्स में इंक्लूड करते रहना माइक्रो पोरोफिल पिस्टल मेगा पिस्टिल राइट सैक इसको हम क्या बोलते हैं इसको माइक्रोस्पोरेंजियम भी कहा जाता है एंथर के अंदर बनते हैं ये सैक्स राइट माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन सैक एक ही बात है पोलन ग्रेन क्या है मेल गैमिटोफाइट क्या है ये मेल गैमिटोफाइट फीमेल में इट इज दूल विच इज द मेगास्पोरेंजियम ये क्विक रिवीजन के लिए लिख लो बच्चों इट इज दूल विच इज द मेगा स्पोरेंजियम और ये जो तुम्हारा एम्ब्रियोशैक है इट विल बी द फीमेल गैमिटोफाइट दान ये लिख लो अपने पॉइंट्स को फटाफट रिविजन में हेल्प हो जाएगी फीमेल गेमिटो फाइट डन फटाफट 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 क्विक डू इट क्विकली मेगा स्पोरेंजियम फीमेल गेमिटो फाइट इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है किसी को कंफ्यूजन एनी वन हैविंग कंफ्यूजन इन इट बाकी तुम्हें पता है सो टुगेदर टुगेदर एंड्रीशियम मेल पार्ट पार्ट फीमेल ऑफ अ फ्लावर ओके चलो पिस्टल टूगेदर गाइनीशियमेदर दिस पार्ट डन यस सो ये देखो प्लांट लाइफ साइकिल मैंने तुम्हें बता दिया ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज देयर सो एप्लॉयड और डिप्लॉइड फेज आएगा सो जिम्नो और एंजियो में होता है हमारे पास डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल फाइन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल सो एंगजियोस्पॉम्स फ्लॉरिंग प्लांट्स है पॉलन ग्रेन और ओव्यूल फ्लावर्स में डेवलप होंगे सीड्स नेकेड होगा राइट सो याद रखना आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड ओव्यूल बनाएगा सीड ओव्यूल बनाता है सीड और ये जो अपना ओव्यूल तो सीड बना देगा और ये जो ओवरी है ये बनाती है फाइन डन सो इसको लिख लो दिस इज गोइंग टू हैपन यस दिसन श्योर यू विल गेट इट सो डायट क्या है इनके पास मैंने तुम्हें बता दिया दो कॉटलिडन होंगे मतलब दो रिजर्व फूड जब एम्ब्रियोनल एक्सिस देखोगे दो कॉटिलिडन का मतलब आ जाता है कि रिजर्व फूड उन उनस में चला जाता है सीड का राइट right? पूरे का पूरा मतलब जैसे ये ग्रो कर रहे हैं राइट right? और व्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनेगा उसी में फीमेल गैमीट है मेल गैमीट आएगा फ्यूजन होगा जयगोट बनेगा सो एनजीओ स्पर्म्स के केस में जो हम एक और कंसेप्ट डिस्कस करते हैं वो डबल फर्टिलाइजेशन का डिस्कस करते हैं राइट डबल फर्टिलाइजेशन का दो मेल गैमीट्स आ रहे हैं एक फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज होगा फर्टिलाइजेशन ट्रू फर्टिलाइजेशन सिन गैमी हुई हमारे पास जाइगोट आया एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल के साथ जो कि डिप्लॉयड है राइट right, सेकेंडरी है वहां उसके साथ फ्यूज होगा सो so, आता है क्या आता है हमारे पास ट्रिप्लॉइड आता है डन बच्चे ये देखो दिस इज द सैक राइट इन साइड ओवरी इन साइड ओव्यूल इज देर इन साइड ओव्यूल यू कैन सैक विल फॉर्म

उसके साथ फ्यूज होगा फाइन बच्चे और इसी तरह से ये होगी डेवलपमेंट सो लाइफ साइकिल पहले पढ़ा दिए हैं एक बार दोबारा देख हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का टाइम पीरियड ज्यादा है इट इज दाइट विच इज द डोमिनेंट फेस सिर्फ बनागोट में एलगी राइट हेप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल डिप्लॉन्टिक में डिप्लॉइड फेज डोमिनेंट है स्पोरोफाइट डोमिनेंट है डन बच्चे और गैमेटोफाइट उस पर डिपेंडेंट है सो यहाँ पे आ गए जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स हैप्लोडिप्लॉन्टिक टेरिडो और एंजियो बस सॉरी ब्रायो और टेरिडो ब्रायोफाइट्स में योर गैमेटोफाइट विल बी डोमिनेंट टेरिडोफाइट्स में इट इज द स्पोरोफाइट विच विल बी डोमिनेट फाइन इट इज द स्पोरोट विच विल बी डोमिनेट डन बच्चे ये देख लो सो स्पोरो मल्टी सेलूलर है गेमीटोफाइट भी मल्टी सेलुलर है यह चीजें आ जाती है डन ठीक है सो ये आगे तो so, करे अब क्वेस्टाइम पढ़े अब इसे क्वेस्टाइम चलिए इन टेरिडोफाइट अस्पोर जॉमिनेट टू प्रोड्यूस बताना जरा अस्पोर जर्मिनेट टू प्रोड्यूस यस ठीक है बिल्कुल सही सो टेरिडोफाइट के प्रोथालस इज स्पोर जर्मिनेट स्पोर विल जर्मिनेट टू फॉर्म द प्रोथालस चलो द डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट इनटू यंग यंग्रोस टेक प्लेस विद इन द फीमेल गैमिटोफाइट्स दिस इवेंट इज अ प्रसर टू द डैश इज कंसिडर्ड एज इम्पॉर्टेंट स्टेप इन द evolution. So what should be the correct answer here, bachcho? What should be the correct answer here? Seed habit. Yeah, na? Seed habit. Then, uske liye, important step hai. So rhizomes and petioles of dash are used as an anti-helminthic drug. The rhizomes and petioles of dash they are used as an एंटी हेलमेंथिक एग्जाम्पल किया येम yes, स्टेम का ही पार्ट है जैसे हम देखते हैं ना इस तरह से फिर ग्रो कर रही है रईजोम एंड पीटीओल एग्जैक्टली इट इज ड्राइव टेरिसाइट की बात कर रहे हैं हम Dash is a gymnosperm, which is one of the tallest tree species. Dash is a gymnosperm, which is one of the tallest tree species. It is sequoia, red giant wood. So, which of the falling is an adaptation to minimize water loss in conifers? Which of the falling is an adaptation to minimize the water loss in conifers? क्विक कौन कौन सी अडेप्टेशन है क्या आंसर होगा जागो 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 एग्जैक्टली ऑल ऑफ थिक क्यूटिकल थूटिकल संकनस्टमेटा निडल शेप लीव ऑल आर द अडेप्टेशन Okay? So, ovules they are born on dash, which may be clustered to form the female cones. What should be the correct answer? The ovules are born on dash, which may be clustered to form the female cones. So, what should be the correct answer? What should be the correct answer? It is the female cone. Female cone. Hai. The word is female cone. Cones kaise bante hai, bache? Cones बनते हैं जब स्पोरोफिल्स बहुत सारे स्पोरोफिल्स इकट्ठे हो गए स्पाइरली है बन गए उन स्पोरोफिल्स के ऊपर होता मेगा right? स्पोरेंजिया so so में बहुत सारे, हैं, right? बहुत सारे हैं. So अब ये बताओ विच ऑफ नॉट ट्रू अबाउट वायरसेस ये ये तुम्हारा रिवीजन क्वेश्चन आ गया रिवीजन क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन आ गया रिवीजन क्वेश्चन फाइन दान बच्चे चलो ये पुराना क्वेश्चन है आंसर करो पता लगेगा किस किस ने पढ़ाई की है क्विक सो हेयर द करेक्ट आंसर इज वायरसेस विल नॉट इनफेक्ट बैक्टीरिया फनजाई एंड एल्गी दिस इज नॉट ट्रू वायरसेस किसी को नहीं छोड़ते है ना किसी को नहीं छोड़ते वायरसेस चलो अब ये बताओ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिफाइन दल्टरनेशन ऑफ जनरे ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेन को कौन डिफाइन कर रहा है द एक्शन और प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू ऑफ स्प्रिंग्स टेंडेंसी टू ऑल्टरनेट बिटवीन स्पोरोट एंड गोफाइट जनरेशन द डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन राइट right? क्या होगा करेक्ट आंसर रमन आपकी फर्स्ट क्लास है तो डू सब्सक्राइब आर चैनल सो टेंडेंसी टू अल्टरनेट बिटवीन स्पोरोट एंड जेनरेशन फाइन अब क्वेश्चन ही नहीं है यहां पे हमारे पास खाली हो गया ठीक है सो so, बच्चे ये हमारे इंस्टा हैंडल्स हैं इनको ज्वाइन कर लीजिए सोशल मीडिया हैंडल्स है अरादर आप ज्वाइन कर सकते हो आपको सारी इंपॉर्टेंट अपडेट मिल जाएगी कोई भी लिंक चाहिए हो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक किया करो वहाँ पर सारे के सारे लिंक्स अवेलेबल होते हैं सो so, डाइवर्सिटी की जब बात आती है तो हमने शुरुआत में वायरसेस के बारे में मतलब एक तरह से क्विक रिविजन हम लोग इन टॉपिक्स का कर चुके हैं एनिमल किंगडम पे भी ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है तुम लोग उसको चेक कर सकते हो राइट सो फिजियो का वन शॉट अवेलेबल है जेनेटिक्स का वन शॉट अवेलेबल है केवीबीवाई के लिए है लेकिन तुम्हारा कंसेप्ट क्लैरिटी हो जाएगा सो so, अच्छे से पढ़ाई करो टेक केयर टाटा बाकी क्लास के लिए अगले हफ्ते मिलते हैं ठीक है सो so, कल रहेगी केवीबीवाई की क्लास जेनेटिक्स का मेंडल के लॉ से जो क्वेश्चन आते हैं केवीबीवाई में कल हम वो करने वाले फाइन सो मेंडल के लॉ को एक्सप्लेन केवीबीवाई के क्वेश्चन दैट दैट इज अ थिंग दैट वी आर गोइंग टू डू ओके सो टिल देन टेक केयर बाय बाय बच्चे चलिए अंकित प्लांट फिजियो पे भी सेशन लेंगे बच्चे जैसे ही समय मिलेगा उसमें भी सेशन जरूर लेंगे फाइन आई कैन नॉट प्रोमिस मैराथन सेशन लॉन्ग मैराथन सेशन बट श्योरली विल टेक अ सेशन सो बाय